आप लोग जानते ही हैं कि 160 करोड़ के बजट के साथ आ रही है संजय लीला भंसाली की मूवी पद्मावती। संजय लीला भंसाली की ये मूवी अभी सुर्खियों में बनी हुई है। इस मूवी में दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती के रोल में नजर आने वाली हैं। बता दें आप लोगों को कि इस मूवी में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी पर काफी मेहनत कराई है। मूवी में दीपिका ने काफी भारी कपड़े और गहने पहने हैं, जिसके कारण उनको मूवी के कई सीन्स में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस मूवी में दीपिका ने जो ज्वेलरी पहनी है उसे 200 कारीगरों ने 600 दिनों में बनाया है। साथ ही साथ इसे बनाने में 400 किलो सोने का भी इस्तेमाल किया गया है। तनिष्क के डिजाइन मैनेजर पुएता रावत के मुताबिक उन्होंने इन डिजाइन के लिए काफी सारी रिसर्च की थी। वहीं उनकी टीम ने कई बड़े राजा महाराजाओं की बुक्स और फोटोज देखी और इंडिया में कई म्यूजियम घूमकर भी ज्वेलरी के डिजाइन को समझा। उन्होंने ये भी बताया कि उनके एक डिजाइन को बनने में 5 कारीगर लगते थे, जो कि कुंदन और मीना का काम करते थे। बताते चलें कि उनके डिजाइन टीम ने सोना, मोती, टोपाज, नगों और कुंदनों का इस्तेमाल किया है। तो इस मूवी में और कुछ देखे ना देखे, लेकिन दीपिका की ज्वेलरी तो खास तौर पर देखनी होगी। फाइनल कट एंटरटेनमेंट डेस्क। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।